अभी मैंने वेटिंग ग्रुप में रख दिया है, सभी सभी बच्चे अपने नाम से आए हैं, जो अपने नाम से प्रॉपर नाम से नहीं आएंगे उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, बिकॉज कल कुछ लड़के लोग डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे थे, दैट्स व्हाई। सर्कल नॉन मेडिकल का बैच था, हाँ नॉन मेडिकल का ही था बेटा, वो ही तो बदमाश है। आज तो मेडिकल का बैच है ना। पर फिर भी रूल सेट कर देंगे आप, और अगर फिर भी कोई ऐसे डिस्टरबेंस करेंगे ना, तो उनको मैं सभी बच्चों को परमानेंटली म्यूट कर दूंगा। जो थंब रेज करेगा डाउट के लिए, मैं उसी को अलाउ अनम्यूट करूंगा फिर, इन एक्सट्रीम केस, ओके सर। है ना। गलत बात है ना, यस सर। परमवीर सर फ्रेंडली है तो उसका अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना चाहिए ना बच्चों को, ये पता नहीं कौन एंटर्ड। जो अलग अननोन नेम से आएंगे उनको किसी को अलाउ नहीं करूंगा मैं, समवन इज ट्राइंग टू एंटर। चलो ओके लेट अस स्टार्ट बच्चों। हम डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स स्मॉल कॉन्सेप्ट में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपकी रहती है, उनमें दो तरह की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं आपकी, एक वॉल्यूम रिलेटेड, दूसरा मास रिलेटेड। कॉन्सेंट्रेशन टर्म सॉल्यूशन की जो आप लोग पढ़ते हो, वन इज वॉल्यूम रिलेटेड, जिनके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम रिलेटेड, दूसरा मास रिलेटेड। मास आ जाए या मोल आ जाए, मास रिलेटेड। हम लोग जानते हैं टेम्परेचर चेंज करने पर वॉल्यूम चेंज होता है, तो जिनमें वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट कहलाएंगी। और जिसमें मास या मोल आएंगे सिर्फ, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स कहलाएंगे। ठीक है, आप लोग नोट करते रहे, या 11th स्टैंडर्ड की आपके पास नोटबुक है तो उसको आप सामने रख लें। वॉल्यूम डिपेंडेंट कौन कौन सी टर्म्स आपको पढ़नी है, वो 5 टर्म है, 5। फर्स्ट इज परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी बोलते हैं इसको, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी बोलते हैं, सिर्फ परसेंटेज बाय वॉल्यूम या परसेंटेज वॉल्यूम। नेक्स्ट इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, या इसको परसेंटेज स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, आप लोग जानते हैं। थर्ड थिंग इज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की यूनिट ग्राम पर लीटर होती है। फोर्थ इज मोलरिटी, फिफ्थ इज नॉर्मेलिटी। ये 5 कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, जिनके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में या दोनों में वॉल्यूम आता है। 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वॉल्यूम नहीं रखती, मास मोल कुछ रखती है। एक परसेंटेज बाई मास, या परसेंटेज मास बाई मास, या परसेंटेज बाई वेट, कुछ भी बोल। सेकेंड इज मोल फ्रैक्शन, आप लोग जानते हैं। थर्ड इज मोलेलिटी, स्मॉल एम मोलेलिटी। इस चैप्टर में स्मॉल एम का बड़ा जलवा है, मोल फ्रैक्शन इन मोलेलिटी बहुत यूज होगी इस चैप्टर में। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म को एक दूसरे में कन्वर्ट आपको करना आना चाहिए। मोलरिटी तो डेफिनेटली पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होती है, मोस्ट फेमस कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज मोलरिटी। कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट हो बच्चों, सभी में आप एक चीज देखोगे, नो की नो कॉन्सेंट्रेशन टर्म। इसके अलावा और भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमने पढ़ी है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ये है, परसेंटेज स्ट्रेंथ ये है, स्ट्रेंथ और ये है वॉल्यूम स्ट्रेंथ।
परसेंटेज स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ, तो जनरलाइज वॉल्यूम स्ट्रेंथ को हम एक्स, और एक्स इज इक्वल टू 5.6 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मलिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज 11.2 मल्टीप्लाइड बाय मोलरिटी। ये सिर्फ हाइड्रोजन पोरोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन के लिए ही ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ टर्म बनी है, ये जनरलाइज नहीं है। पर ये स्ट्रेंथ एंड परसेंटेज स्ट्रेंथ, ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म जनरलाइज है H2O2 के एक्वस सॉल्यूशन के लिए भी, आप लोग बिंदास यूज कर सकते हैं, एज वेल एज किसी भी सॉल्यूशन के लिए आप ये टर्म, तो जनरल टर्म होगी। ये 9 टर्म्स जनरल टर्म्स है, 5 ये हो गई वॉल्यूम डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट और वॉल्यूम इंडिपेंडेंट, मास डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जो भी अननोन नेम से एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, आई एम नॉट अलाउिंग एनीवन, अपने नाम से जो आएगा उसी को अलाउ किया जाएगा। परसेंटेज ये हो गया आपका, मास रिलेटेड, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम, किसी का मास 5 ग्राम है, 10 डिग्री सेल्सियस पे रखो या 30 डिग्री सेल्सियस पे रखो, मास उतना ही रहेगा। लेकिन किसी का वॉल्यूम 10 ml है, टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सपेंशन हो जाता है, तो वॉल्यूम स्लाइटली चेंज होगा। कुछ चीज का वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली भी चेंज हो सकता है, जैसे अगर हम मरकरी का वॉल्यूम देखें तो थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करते ही मरकरी का वॉल्यूम चेंज हो जाता है। इसलिए थर्मोमीटर में Hg का लेवल सडनली चेंज होता है जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है, बिकॉज थर्मल एक्सपेंशन बहुत अच्छा है उसका, और यही प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो थर्मोमीटर में इस्तेमाल किया जाता है, मरकरी इस्तेमाल किया जाता है। राइट वे टू प्रोनाउंस इज मर्क्यूरी, बट जनरली वी कॉल इट मर्करी, तो कुछ भी बोल लीजिए, डज नॉट मेक मच डिफरेंस बीइंग ए साइंस स्टूडेंट। ओके, सभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में एक चीज देखोगे 9 की 9। हाँ, इसके अलावा एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ये स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन टर्म में बात कर रहा हूं, सभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में एक परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम, ऑफ ओलियम, ओलियम का फॉर्मूला है H2S2O7, विच इज नथिंग बट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्वेंट होता है, और SO3 की फ्यूम्स उसमें सॉल्यूट होती है, घुली हुई होती है, इसको बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं? Fumes of SO3 gas in sulfuric acid liquid. Sulfuric acid liquid बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि pure water का color होता है, color और appearance की मैं बात कर रहा हूँ। Fuming sulfuric acid is oleum. और यही formula pyro sulfuric acid का भी होता है जो कि oleum का होता है। यही formula pyro sulfuric acid का भी होता है बच्चों, ठीक है। तो ये different concentration term, ये ऊपर वाली ये specific concentration term हो गई। इसके अलावा आपने एक्टिव मास भी पढ़ा है, लॉ ऑफ मास एक्शन में, केमिकल इक्विलिब्रियम में एक्टिव मास या फिर एक्टिविटी, या रेडियो एक्टिविटी वाली एक्टिविटी नहीं है, या इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, एक्टिव मास को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये भी आपकी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। एक्टिव मास और एक्टिविटी की ना कोई यूनिट होती है, ना कोई डायमेंशन होते हैं, बाकी सब की तो यूनिट और डायमेंशन आपके होते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, पर जनरल कॉन्सेंट्रेशन 9 हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक दूसरे का इंटर कन्वर्जन हमें। तो 9 तो जनरलाइज कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो बिंदास किसी भी सॉल्यूशन के लिए आप यूज कर सकते हो। H2O2 के एक्वस सॉल्यूशन के लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज की जाती है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, और H2O2 सॉल्यूशन की मोलरिटी नॉर्मलिटी के साथ H2O2 को मार्केट में पर हाइड्रोल के नाम से, कॉमर्शियल नाम से सेल किया जाता है। नॉर्मलिटी और मोलरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन से कुछ इस तरह कोरिलेटेड है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज 5.6 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मलिटी, और नॉर्मलिटी को आप लिख दो मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय H2O2 का फैक्टर। सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या सेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में H2O2 जब भी काम करता है, क्योंकि दोनों के रूप में काम करता है, उसका इन्फेक्टर पूरी केमिस्ट्री में 2 ही होता है, बेस और बेस। इसलिए नॉर्मलिटी को मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय इन्फेक्टर लिखोगे तो 11.2 आ जाएगा, जो कि 5.6 का डबल है। परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम की जो वैल्यू पॉसिबल है वो 100 से स्टार्ट होकर
122.5 तक। पहली बार आपने जिंदगी में परसेंटेज की वैल्यू ग्रेटर देन 100 देखी होगी, परसेंटेज की वैल्यू लेस देन 100 ही यू एनकाउंटर्ड विद टिल नाउ, व्हाटएवर यू हैव स्टडीड, परसेंटेज 100 से ज्यादा ओलियम सैंपल की जो परसेंटेज लेबलिंग होती है उसी परसेंटेज की वैल्यू 100 से ज्यादा होती है, पक्कम पक्का। और ये रेंज होती है, जब इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो देन वी अंडरस्टैंड। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस बिकॉज ऑल दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर ऑफ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, टाइट्रेशन एंड मोल कॉन्सेप्ट इनिशियली। बट अब हम इनका रिविजन करेंगे, जो इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी वो कि 9 जनरलाइज कॉन्सेंट्रेशन। देखो, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो, एनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म 9 में से जो आपने देखा, न्यूमरेटर में क्या तो मास होगा या वॉल्यूम होगा या मोल होगा या इक्विवेलेंट होगा, बट सोल्यूट का होगा, ये बात तय है। न्यूमरेटर में सभी का जो बेसिक डेफिनेशन है, सभी का जो बेसिक डेफिनेशन है सभी का जो बेसिक डेफिनेशन है उसमें न्यूमरेटर में सोल्यूट होता है। डिनोमिनेटर में चाहे मास हो, वॉल्यूम हो, मोल हो, इक्विवेलेंट हो या और कुछ हो, बट सॉल्यूशन का मिलेगा, सॉल्यूशन का। बट डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट का भी हो सकता है एक्सेप्ट मोलैलिटी। मोलैलिटी में डिनोमिनेटर सॉल्वेंट होता है, डिनोमिनेटर इज पर्टेनिंग टू सॉल्वेंट। बाकी सब आठ कॉन्सेंट्रेशन टर्म में डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन का ही कुछ होगा, न्यूमरेटर में सॉल्यूट का होगा। ठीक है, दैट्स ऑल। अब सभी की हम डेफिनेशन देखते हैं जल्दी जल्दी। पहले तीनों परसेंटेज, फर्स्ट इज परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास मतलब सिंबोलिकली परसेंटेज, मास ऑफ सोल्यूट, बी मतलब सोल्यूट हो गया आपका। और इस चैप्टर में तो जनरली सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों सोल्यूट की आप बात करोगे, पर सॉल्वेंट लिक्विड ही रहेगा क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर है इसका नाम। बी सोल्यूट हो गया और ए सब जगह हम लोग सोलवेंट को लिखेंगे। डब्ल्यू ए मतलब वेट ऑफ सोलवेंट, डब्ल्यू बी मतलब वेट ऑफ सोल्यूट। सिर्फ डब्ल्यू लिखे तो सोल्यूशन का हो गया, दैट इज डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। ये सुनो, वी ए मतलब वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट, वी बी मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वी मतलब वी ए प्लस वी बी लिखेंगे अगर आइडियल सोल्यूशन है तो सोल्यूशन का लिखेंगे। आप लोग समझते हैं, तो ये वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट, परसेंटेज है तो नाम नाम का 100 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर को आप वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सोल्यूशन ऐसे भी लिख सकते हो, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। अगर परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू की वैल्यू 20% है तो इसका मतलब हुआ 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन या सोलवेंट। डिनोमिनेटर में सोल्यूशन है तो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, 20 ग्राम तो सोल्यूट है एंड 80 ग्राम सोलवेंट है, 80 ग्राम सोलवेंट है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली आप लोग यूज करते हैं, इसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज परसेंटेज स्ट्रेंथ या परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। वेट ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लिख सकते हो मल्टीप्लाइड बाय 100। कंप्लीट पूरे सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो दैट इज, तो अगर परसेंटेज स्ट्रेंथ या परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज स्ट्रेंथ भी बोलते हैं इसको,
परसेंटेज स्ट्रेंथ भी बोलते हैं हम इसको, परसेंटेज स्ट्रेंथ की वैल्यू 20% है। इसका मतलब क्या निकला लैंग्वेज में कि 20 ग्राम सोल्यूट का तो ग्राम ही है, 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml डिनोमिनेटर में, वॉल्यूम ml किसका है सॉल्यूशन का है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बट कितना ग्राम, 20 ग्राम तो सॉल्यूट हो गया, अगर 100 ml ले ले तो 80 ग्राम सॉल्वेंट बोलू क्या, गलत बात, 80 ml सॉल्वेंट बोलू क्या, गलत बात, अगर 100 ml ले लो तो नहीं, 1 ग्राम में है दूसरा ml में है, दोनों ग्राम में होते तो प्लस माइनस कर सकते थे, यूनिट डायमेंशन सेम होने चाहिए प्लस माइनस करते टाइम दो पैरामीटर को, तो यूनिट डायमेंशन के हिसाब से ही वॉल्यूम में से मास कैसे घटाएं। परसेंटेज बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम मींस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, VB डिवाइड बाय आइडियल सॉल्यूशन है तो V ऑफ सॉल्यूशन को VA प्लस VB लिख सकते हैं, ये हो गया परसेंटेज। ये ml में है तो डिनोमिनेटर भी ml में लेना है, अभी तक जितने भी मास लिए हैं तीनों परसेंटेज में वो ग्राम में लेने हैं एज पर डेफिनेशन, और जो वॉल्यूम लिए हैं आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वो ml में लेने हैं सर, वॉल्यूम ml में और मास ग्राम में, सारी तीनों की तीनों परसेंटेज के डेफिनेशन में आपने ऐसा ही किया है। अगर परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आपका 20% है तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 ml ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml, डिनोमिनेटर में क्या है सॉल्यूशन है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इस तरह आपको पढ़ना आना चाहिए। इंप्लाइज 100 ml में क्या क्या प्रेजेंट है, 20 ml सॉल्यूट, एंड वॉल्यूम वॉल्यूम है तो 80 ml डायरेक्टली जितने रेड्यूस करके 80 ml सॉल्वेंट, तो 100 ml में 20 ml 80 ml है, 100% वही मास था 20 ग्राम 80 ग्राम था, यानी कि मास आप ग्राम में ले रहे हो सभी डेफिनेशन में और वॉल्यूम आप ml में ले रहे हो, एज सिंपल एज दैट इन ऑल थ्री डेफिनेशंस। फोर्थ यूनिट इज ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की यूनिट होती है ग्राम पर लीटर, तो ये न्यूमरेटर में ग्राम सॉल्यूट का है, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, तो स्ट्रेंथ हो जाएगा वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट, कुछ भी नहीं बोला जाए तो वेट सब जगह ग्राम में और वॉल्यूम सब जगह ml में लेकर चलो, अगर मुझे वॉल्यूम लीटर में कुछ लिखना होगा तो मैं एक्सप्लिसिटली मेंशन करूंगा इन ऑल डेफिनेशन मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ डेफिनेशंस। यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में है तो ये हो गया ग्राम, ये लीटर में, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ की यूनिट हो गई। अगर मैं सिर्फ v लिखूं तो 1000 से डिवाइड करूंगा क्योंकि v कुछ नहीं लिखा तो ml में है, तो v डिवाइड बाय 1000 v ml में, जैसे 500 ml है तो 500 डिवाइड बाय 1000 क्या हो जाएगा 0.5 लीटर, तो यहाँ पर 0.5 लीटर पुट करो, यहाँ पर 500 ml पुट कर रहे हो तो डिवाइड बाय 1000 वो पल्टी मारकर ऊपर चला जाएगा, यस और नो, ये हो जाएगा स्ट्रेंथ। अगर कोई स्ट्रेंथ की वैल्यू 20 ग्राम पर लीटर बोल रहा है इसका मतलब क्या है, 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 1000 ml और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, सॉल्यूशन है यहाँ पर, या मैंने वी ए वी भी कुछ नहीं लिखा, सिर्फ वी लिखा सॉल्यूशन, इट सिंपली मीन्स दैट 980 ग्राम या ml सॉल्वेंट है वो कुछ नहीं पता, जब तक डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन नहीं दे रखी हो तो मास और वॉल्यूम को आपस में कोरिलेट कैसे करें, नहीं कर सकते, इसलिए डेंसिटी देंगे तो ही बता सकते हैं कि सॉल्वेंट कितना है 1000 ml सॉल्यूशन में अगर 20 ग्राम सॉल्यूट है तो। स्ट्रेंथ यहां पे बस मोल कर दोगे
एन बी कर दोगे तो मोलरिटी आ जाएगी इधर स्ट्रेंथ की बजाय, यहाँ पे इक्विवेलेंट कर दोगे सॉल्यूट के तो ये आ जाएगी नॉर्मलिटी। तो बस यहाँ पे चेंज करना है, मोल कर दोगे एन बी कर दोगे तो यहाँ मोलरिटी आ जाएगी, इक्विवेलेंट कर दोगे तो यहाँ पे नॉर्मलिटी आ जाएगी, बाकी कुछ नहीं करना। यहाँ डिनोमिनेटर चेंज होगा टेम्परेचर चेंज करने पर, तो स्ट्रेंथ टेम्परेचर डिपेंडेंट है। फिफ्थ, मोलरिटी द मोस्ट फेमस वन, मोलरिटी इसकी यूनिट मोल पर लीटर या फिर मोलर, या मोलर को ऐसे भी लिख देते हैं ना यूनिट में, तीनों तरीके से इसकी यूनिट लिखी जाती है। तो ये ऊपर में मोल किसके हैं, सॉल्यूट के हैं, नो डाउट मोल ऑफ सॉल्यूट। नीचे वॉल्यूम किसका है, ऑफ कोर्स सॉल्यूशन का है। अगर ये मोल पर लीटर आ गया मोलरिटी, ठीक है, अगर मैं मोल पर लीटर में वॉल्यूम एमएल में ले लूं तो डिवाइड बाय 1000 करूंगा जो पल्टी मारकर ऊपर चला जाएगा। तो मोलरिटी में अगर किसी की मोलरिटी 0.2 मोल पर लीटर या मोलर है, इट इंप्लाइज 0.2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। वन लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर 0.2 ग्राम पर लीटर तो या 0.2 मोल सॉल्यूट की जगह 0.2 ग्राम सॉल्यूट कर देते, नॉर्मलिटी कर देंगे मोलरिटी की जगह जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में यूज होता है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट आ जाएंगे सॉल्यूट के और कोई फर्क नहीं रहेगा। वेरी वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। सिक्स्थ, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी की यूनिट इक्विवेलेंट पर लीटर या फिर नॉर्मल, या फिर नॉर्मल को ऐसे लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह वॉल्यूम इन लीटर, और वॉल्यूम इन लीटर की बजाय वॉल्यूम एमएल में पुट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना तो पल्टी फैक्टर ऊपर आ जाएगा। As simple as that. कोई फर्क नहीं, बहुत ही सिंपल। तो देखो मोलरिटी, नॉर्मलिटी और स्ट्रेंथ, तीनों में कोई खास फर्क नहीं है, ऑल थ्री आर ऑलमोस्ट सेम। ऑल थ्री आर ऑलमोस्ट सेम। यहां पर स्ट्रेंथ मोलरिटी में क्या आ गया था, यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट आ गया था v इन लीटर, सेम ऊपर वाला। स्ट्रेंथ में क्या आ गया था, यहाँ पे वेट आ गया था सॉल्यूट का, और कुछ नहीं बोला तो ग्राम में पुट करते हैं वॉल्यूम इन लीटर। तो इन तीनों को अगर हम देखें कोई फर्क नहीं है, बस यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट है, यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट है मोलरिटी में, और इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है नॉर्मलिटी में, और कोई फर्क नहीं। डिनोमिनेटर में वॉल्यूम इन लीटर है, सब में वॉल्यूम है सॉल्यूशन का डिनोमिनेटर में, तो सब टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गई। बस यहाँ पे इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की बजाय मोल ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, बाकी सब कुछ वो का वो है। वॉल्यूम एमएल में लिखेंगे, पुट करेंगे तो ये वाला 1000 वाला फॉर्मूला आप लोग यूज करोगे। ऑल थ्री आर कोरिलेटेड, सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। सिक्स के बाद अगर हम नेक्स्ट करें सेवंथ, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, मोल फ्रैक्शन,
मोल फ्रैक्शन को अक्सर इनोट करते हैं, इस चैप्टर में मोल फ्रैक्शन काफी यूज होगा आपको। जैसे बाइनरी सॉल्यूशन है तो एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, तो क्या होगा मोल्स ऑफ दैट सॉल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूशन के मोल, वो क्या होंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा उसके सॉल्वेंट के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। यहां से आप बड़े प्यार से देख सकते हो मोल फ्रैक्शन का रेशियो जो सॉल्यूट टू सॉल्वेंट होता है वही मोल का रेशियो होता है सॉल्यूट टू सॉल्वेंट, क्योंकि Na प्लस Nb जो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन है वो उड़ जाएंगे। Xa प्लस Xb बाइनरी सॉल्यूशन है तो 1 आएगा, देख लो इधर इन दोनों का समेशन करोगे तो 1 आएगा। जितने भी फ्रैक्शन है मिक्सर में सभी के मोल फ्रैक्शन मास फ्रैक्शन वॉल्यूम फ्रैक्शन सभी के फ्रैक्शंस का समेशन कर दोगे तो समेशन ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन मिक्सर इज ऑलवेज यूनिटी, वो 1 ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ऑलवेज यूनिटी। ठीक है, अगर इसके डिनोमिनेटर को हम 1 मोल ले लें तो मोल इसकी वैल्यू 0.3 है तो इसकी 0.3 होगी। तो अगर मैं बोलूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.3 है, इसका मतलब ये हुआ कि 0.3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन के मोल है तो इसका मतलब 0.3 मोल सॉल्यूट के हैं, साथ में 0.7 मोल 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 है तो माइनस कर सकते हैं मोल ऑफ सॉल्वेंट है, मोल ऑफ सॉल्वेंट राइट, मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये मोल फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मोल है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, नो डाउट। नेक्स्ट इज मोलेलिटी, मोल पर केजी या फिर मोलल, या फिर मोलल को हम स्मॉल एम से लिख देते हैं, ये इसकी यूनिट है। ये मोल किसके हैं, सॉल्यूट के हैं, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, सॉल्यूशन है या सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, बस ये ध्यान रखना है। स्मॉल एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब ए हो गया, पर केजी में पुट कर, मान लो केजी की बजाय ग्राम में पुट कर दो तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, डब्ल्यू ए डिवाइड बाई 1000, तो इसलिए पल्टी मार कर वो ऊपर चला जाएगा। पहली बार डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट का पैरामीटर आया है ना कि सॉल्यूशन का। अगर किसी की मोलिटी, इस चैप्टर में खूब यूज होगा ये यूनिट, किसी की मोलिटी 0.3 मोलल है, इट इंप्लाइज 0.3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 केजी, ये क्या है 1 केजी ऑफ, डिनोमिनेटर को 1 ले लिया करो, या 1000 है तो यहाँ 1000 ग्राम में तो ग्राम में ले लो ताकि डायरेक्ट की मोल ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो जाए, 1 केजी सॉल्यूट का जो पैरामीटर उसके बराबर हो जाए, प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्यूट नहीं, यहाँ पे 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज ppm, पार्ट्स पर मिलियन, देखो परसेंट मतलब 100, तीन तरह के परसेंटेज, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ डेक्स, ये हो जाएगा पर मिलियन, मिलियन मतलब 10^6, परसेंट मतलब 100। जिस तरह परसेंटेज तीन है उसी तरह ppm भी तीन है, wb डिवाइड बाय wa प्लस wb, जहां पे 100 आ रहा था परसेंटेज में वहां पे मिलियन आ जाएगा, जहां 100 आ रहा था वहां पर क्या आ जाएगा, इधर ppm में मिलियन आ जाएगा सब जगह। अगर ppm, ppm का मतलब मेनली यही यूज होगा 99% ppm वेट बाय वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो ये वेट हो जाएगा सॉल्यूट का और वॉल्यूम हो जाएगा
सॉल्यूशन का आइडियल है, तो मल्टीप्लाइड बाय 10^6 आएगा ppm वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अगर हम देखें तो ऊपर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे आ जाएगा v, और v को आप आइडियल सॉल्यूशन है तो va प्लस vb जरूर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10^6 मल्टीप्लाइड बाय 10^6। तो जहां हैंडर था उसकी जगह पर ये आ गया, इन दोनों के डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है v है, v को आप लिख सकते हैं va प्लस vb। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गए, लेकिन यहाँ पर सब जगह मास है तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गए क्योंकि वॉल्यूम आ रहा है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट। देन ये सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो गई है आपकी बेसिक डेफिनेशन। बच्चों 2 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं, इन सब के आपस में रिलेशन देखेंगे। टेक रेस्ट फॉर 2 मिनट्स, मैं पानी पी लेता हूं एंड फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, परमिट होंगे टाइम, इफ टाइम परमिट्स। कौन सा पेज बेटा? इसके पीछे वाला 10 8th वाला, मोलिनिटी वाला। ओके फाइन, 8 8। ये यही वाला या डिफरेंट? ये वाला इससे पीछे जिसमें आपने मोलिलिटी करवाया था, वो वाला उसके बस ठीक है। स्मॉलम, स्मॉलम तो ये रहा। खत्म हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है चार्जिंग जियो का। आपको अच्छी लगता है? आपने मिनट हो गया पता है एक बच्चे को एक फ्लो में बताया जाता है ना जिस तरीके से, बल्कि इस मिस्टर की जो खुद की मैम है ना साइंस जो पढ़ाती है, बहुत अच्छा पढ़ाती है, इसमें मिस्टर को इंटरेस्ट भी हो सब्जेक्ट। अब तो आई नींद नहीं है मेरे पास साइंस। हाँ वो एक हफ्ते के लिए तो बीमार है, नहीं पढ़ाएगी तो मैं मिस्टर को उसी के सेक्शन में ले जाऊंगी। मैंने सोचा था मैं आज बात करती हूँ, क्यों नहीं आई हूँ मैडम, फिर मिस्टर बोली तो बीमार है एक हफ्ते के लिए। मैम
ओके गाइस, नाउ लेट अस सी बेसिक डेफिनेशन. हम लोग देख चुके हैं सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म की. लेट अस सी इंटर रिलेशनशिप, सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस जो न्यूमेरिकल में डायरेक्टली आपको यूज करने हैं आपके जेई नीट के न्यूमेरिकल्स में. सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस. सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस फर्स्ट है रिलेशन बिटवीन परसेंटेज बाई मास एंड परसेंटेज स्ट्रेंथ. परसेंटेज वाइज दोनों के न्यूमरेटर में वेट ऑफ सॉल्यूट है, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है. तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वेट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर एमएल में होनी चाहिए. वेट ग्राम में, वॉल्यूम एमएल में, डेंसिटी ग्राम पर एमएल में, कुछ नहीं बोला हो तब तक. सभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में बेसिक डेफिनेशंस में ऐसा ही होता है. देखो न्यूमरेटर दोनों का सेम है, दोनों को देखो. ये क्या था आपका डब्ल्यू बी डिवाइड बाई वी मल्टीप्लाइड बाई 100. ये क्या था आपका डब्ल्यू बी डिवाइड बाई डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई डी 100 मल्टीप्लाइड बाई टी. डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डी ऑफ सॉल्यूशन को ही वी ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं ना. डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वी ऑफ सॉल्यूशन को ही तो हम लोग डब्ल्यू बाय डी वेट ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये रिलेशन आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है. नॉट वेरी मच यूजफुल बट यूजफुल. दूसरा अगर हम रिलेशन देखें रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड परसेंटेज स्ट्रेंथ. ये क्या होता है ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml और 1000 ml ऑफ सोल्यूशन. 100 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सोल्यूशन. ये क्या है वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml. ये क्या है कितना ग्राम सोल्यूट का 100 ml ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट है. ये है कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1000 ml और 1 लीटर में. तो 100 ml में जितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा 1000 ml में उसका 10 टाइम्स होगा. सीधी बात है ये 1000 ml में कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये है 100 ml में 10 टाइम कर दो डायरेक्टली. सॉरी 10 यू कैन डायरेक्टली राइट दिस वे. इसका क्या फॉर्मूला था डब्ल्यू बी डिवाइड बाई वी इन एम एल करें तो 1000 था इधर. इसका क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या डेफिनेशन थी उसका मैथमेटिकल फॉर्मेट ही है ये डब्ल्यू बी डिवाइड बाई वी मल्टीप्लाइड बाई 100. यहाँ पे 100 है यहाँ पे 1000 है तो 10 टाइम का फर्क आ गया डायरेक्टली. तो परसेंटेज स्ट्रेंथ को 100 से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो स्ट्रेंथ आ जाती है. थर्ड रिलेशन रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलरिटी. देखो जरा ये दोनों वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म है तो डेंसिटी नहीं आई. ये मास डिपेंडेंट है ये वॉल्यूम डिपेंडेंट है तो डेंसिटी आई. यानी कि 5 टर्म वॉल्यूम डिपेंडेंट आपने पढ़ी है, 4 टर्म मास डिपेंडेंट पढ़ी है. 4 मास डिपेंडेंट टर्म में कोई भी एक दे दिया जाए या दूसरा पूछ लिया जाए, जैसे मोल फ्रैक्शन दे दिया जाए और मोलरिटी पूछ लिया जाए और वाइस वर्सा, डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी उस तरह के क्वेश्चन. अगर परसेंटेज वॉल्यूम वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म में मोलरिटी दे दी जाए और स्ट्रेंथ पूछ ली जाए, मोलरिटी दे दी जाए नॉर्मेलिटी पूछ ली जाए, मोलरिटी दे दी जाए परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पूछ लिया जाए, वेट बाय वॉल्यूम पूछ लिया जाए, तो इन सब में डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन जो 5 मास
वॉल्यूम डिपेंडेंट है और चार मास डिपेंडेंट है, पांच में से कोई एक दे दिया जाए वॉल्यूम डिपेंडेंट में से, और चार जो मास डिपेंडेंट है उनमें से कोई पूछ लिया जाए और वाइस वर्सा, तो उसमें आपस में कोरिलेट करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी रिलेशन बिटवीन। तो ये दोनों वॉल्यूम डिपेंडेंट है, तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, या नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलरिटी की जगह पर मोल कॉन्सेप्ट में होता है मोलरिटी, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में उसकी जगह पर नॉर्मलिटी आ जाती है। यहां मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है तो वहां पे इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट होगा, ठीक है। फोर्थ रिलेशन, अब जो रिमेनिंग थ्री रिलेशन है वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज बाय मास एंड मोलरिटी। ये मास डिपेंडेंट है, ये वॉल्यूम डिपेंडेंट है, तो यहां डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन करने के लिए, चाहे हम डायरेक्ट फॉर्मूला देखें जो कि आपको जल्दी करवाएगा क्वेश्चन, या फिर आप पूरी बाय डेफिनेशन जाए जो डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी। तो मोलरिटी क्या होगा, परसेंटेज बाय मास मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, ये तो हो गया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये हो गया 10, तो परसेंटेज वेट 10 मतलब स्ट्रेंथ आ चुकी है न्यूमरेटर में, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आ चुका है इधर से इधर तक की, पहले कर चुके हैं रिलेशन 1 में, मल्टीप्लाई 10 करते ये पूरे न्यूमरेटर में स्ट्रेंथ आ चुकी, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। बताओ m मल्टीप्लाइड बाय mb स्ट्रेंथ, m मल्टीप्लाइड बाय mb इज स्ट्रेंथ, पढ़ा है ना, तो m मल्टीप्लाइड बाय mb ले जाओ तो ये क्या है, परसेंटेज w बाय v मल्टीप्लाइड बाय 10 इज स्ट्रेंथ, तो न्यूमरेटर में ये पूरा स्ट्रेंथ ही है देखो तो, पर आपको ऐसे याद करना है, या फिर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय mb, क्योंकि इस चीज को आप परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम लिख सकते हो, पर यहां पे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम खुद वॉल्यूम डिपेंडेंट है और मोलरिटी भी, तो यहां डेंसिटी नहीं है, पर ये दोनों मास और वॉल्यूम डिपेंडेंट है तो यहां डेंसिटी आ रही है। ध्यान रखना आईआईटी भी इस रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुके हैं, जब आईआईटी का सब्जेक्ट की पेपर होता था, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत सारा काम आता रहता है न्यूमेरिकल्स में। डेंसिटी पक्का डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है और ग्राम पर एमएल में पुट करनी है, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। डेंसिटी ना डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट है ना डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट है, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्यूट होता तो मैं डीबी बोलता, सॉल्वेंट होता तो मैं डीए लिखता, और कुछ भी सिर्फ डी लिखा है तो सॉल्यूशन का ही है, ऑब्वियसली दिस इज अ ट्रेंड। नेक्स्ट रिलेशन, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी, ये तो आप जानते हो, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, ये एन फैक्टर किसका होगा, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसका एन फैक्टर रहेगा, ये तो आप जानते हैं पहले से। नेक्स्ट रिलेशन, हाँ इस रिलेशन में अगर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट की जगह पर इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट ले लो तो यहां मोलरिटी की बजाय नॉर्मलिटी आ जाएगा, यहां पे मोलरिटी की जगह पर नॉर्मलिटी लिखोगे तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट की जगह पर इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट लिख दोगे, ठीक है, सब जगह इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के पैरामीटर रिप्लेस कर सकते हो इस एक्सप्रेशन में। रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, अगेन इंपॉर्टेंट वन, दोनों ही मास डिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन स्मॉल m इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखिए यहाँ पे मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट आया है,
ध्यान रखिए, क्योंकि मोलैलिटी की डेफिनेशन में डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट होता है, इसलिए सॉल्वेंट ही आया। x a को क्या लिख सकते हो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, 1 माइनस एक्स बी, और एक्स बी को क्या लिख सकते हो 1 माइनस एक्स ए। तो एक्स ए 0.3 है तो एक्स बी अपने आप 0.7 हो गया, एक्स ए 0.5 है तो एक्स बी अपने आप 0.5 हो गया। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दो अलग अलग पैरामीटर नहीं है, एक ही है। मोल फ्रैक्शन दे दिया जाए, मोलरिटी पूछ लिया जाए, मोलरिटी दे दिया जाए, मोल फ्रैक्शन पूछ लिया जाए, तो आप ये रिलेशन बिंदास यूज करोगे। ध्यान रखिए इधर मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट पहली बार आपको दर्शन दिया है, जहां पर भी आपने यूज किया अभी फॉर्मुलेशंस में, वहां पर मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट बेसिक दिखाई दिया हो, सॉल्वेंट तो पहली बार दिखाई दिया है। रिलेशन बिटवीन वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, मोलरिटी मोलरिटी, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मास डिपेंडेंट, वॉल्यूम डिपेंडेंट, तो इसमें डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। स्मॉल एम इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय एम, 1000 मल्टीप्लाइड डी एम मल्टीप्लाइड बाय एम बी, ये रिलेशन है। इसी को आप अलग अलग अवतार की फॉर्म में लिख सकते हो चाहो जैसे, बट दिस इज द रिलेशन। मोलरिटी यहां पर भी आ रहा है, मोलरिटी यहां पर भी आ रही है, डेंसिटी अगेन सॉल्यूशन की है और ग्राम पर एमएम में पुट करनी है, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो गाइस, आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर भी है क्या? यस सर, ये रिपीट करो। क्या चीज? ये रिपीट करो, नीचे वाला डिनोमिनेटर में ही कैसे आया? ये तो मोलरिटी है, इसका हमने डेरिवेशन किया था मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में। तो अभी जस्ट यू हैव टू कीप दिस फॉर्मूला इन माइंड। अगर आप चाहते हो कि इसका डेरिवेशन करें तो मैं डेरिवेशन बता सकता हूं। ये भी मोलरिटी है, ये भी मोलरिटी है, पर ये मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट है एम बी। डेरिवेशन का हिट तू ओके। देखो इसमें तीन चीज आ रही है, मोलरिटी मोलरिटी एंड डेंसिटी, तीनों लिख लो सबसे पहले। मोलरिटी की डेफिनेशन क्या बोलती है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वी इन एमएल 1000। मोलरिटी की डेफिनेशन क्या बोलती है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय डब्ल्यू ए इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000। डेंसिटी की डेफिनेशन क्या बोलती है, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय दिस, तो ये हो गया डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू ए डिवाइड बाय बी। ये तीन रिलेशन है, इन तीनों रिलेशन को आपस में यूज करके आपको वो रिलेशन निकालना है। इसको अगर आप देखो एनबी, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड भी कर लूं तो ये कैपिटल एम बाई स्मॉल एम आ जाएगा, एनबी एनबी उड़ जाएगा। कैपिटल एम इफ आई डू 1 डिवाइड बाई 2, आपके बहुत सारे तरीके हैं कैसे भी कर सकते हो। कैपिटल एम बाई स्मॉल एम तो एनबी एनबी से उड़ गया, तो ये क्या आ गया आपका, नीचे वी आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा डब्ल्यू ए। थाउजेंड थाउजेंड से उड़ जाएगा, एनबी एनबी से उड़ जाएगा, यहां आ जाएगा कैपिटल एम के डायगनली वी और स्मॉल एम के डायगनली डब्ल्यू ए, ये आ जाएगा डब्ल्यू ए डिवाइड बाई वी, राइट। अब स्मॉल एम और कैपिटल एम, वी को तो आप लिख सकते हो डब्ल्यू ए हो गया, V को क्या लिख सकते हो यहां से W बाई डी, है ना, क्या लिख सकते हो W बाई डी, V को क्या लिख सकते हो W बाई डी, W बाई डी, W को W A प्लस W B लिख सकते हो। आप क्या चाहते हो, स्मॉल m कैपिटल m, ये सब रिलेशन आप चाहते हो।
अब इनको आप डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी इन सबको आपको रिमूव करना है. यू हैव टू डू सम मैथमेटिकल रिलेशन. देखो अलग अलग है, इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, जस्ट राइट, यू विल बी एबल टू गेट इट कि रिलेशन कैसे, कई तरीके से, कई मैथमेटिकल तरीके से आप लोग कर सकते हो. ये आपकी नोटबुक में है रिलेशन, हाउ टू गेट इट. तो बेसिकली देखो कोई भी डेरिवेशन करना हो, तरीका क्या है, यही तरीका है. जैसे जो जो पैरामीटर इन्वॉल्व है, फॉर एग्जाम्पल इधर मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन चाहते हो, तो स्मॉल m की डेफिनेशन यूज करो और x की डेफिनेशन. स्मॉल m की डेफिनेशन क्या बोलती है, nb डिवाइड बाय wa गुणा में 1000, ये लिख लो. x क्या बोलती है, xb और xa, xb बोलती है nb डिवाइड बाय na प्लस m. xa भी लिख लो, xa जरूर थे, na डिवाइड बाय na प्लस m. बस ये सब रिलेशन आप यूज करोगे तो ये अपने आप आ जाएगा. ये तो आया है पढ़ा, देखो तो एन बी यहां से इसको मैं एम ए से डिवाइड कर दूं और एम ए से मल्टीप्लाई कर दूं, ये एन ए आ गया नीचे, तो एन बी बाई एन ए को क्या ले सकते हैं, एक्स बी बाई एक्स से डायरेक्टली, यही एक्स बी बाई एक्स से ही. तो बस ये मैथमेटिकल गेम है और कुछ नहीं है. You are expected to keep these formulas in mind and you can do all the questions by definition. दोनों तरीके रहते हैं आपके पास, जैसा कि मोल कॉन्सेप्ट में आप लोगों ने किया था. ये तो जस्ट मैंने रिवाइज करवा दिया, अब हम प्रॉपरली चैप्टर स्टार्ट करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन का. ये तो 11th स्टैंडर्ड का था, इसमें आप सभी लोग P1 कर सकते हैं, अभी P1 आप ट्राई कर सकते हैं. पर 11th स्टैंडर्ड में जो लिक्विड सॉल्यूशन के जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई किए थे उनको आप दोबारा देखें और फिर P1 ट्राई करें. P1 वही 11th स्टैंडर्ड वाला है, कुछ क्वेश्चन काफी चैलेंजिंग है उसमें, दो तीन हम लोग डिस्कस करेंगे वो P1. तो कंप्लीट P1 बाय रिवाइजिंग 11th स्टैंडर्ड. कुछ मैंने रिवीजन करवा दिया न्यूमेरिकल का और रिवीजन कर लेना, ठीक है बच्चों. हेलो. यस सर. ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत.